फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पार्किंग रेलवे स्टेशन पर एक नया रेक पार्क होने के लिए आया है। ये पुष्पक एक्सप्रेस का रेक है। पार्किंग रेलवे स्टेशन यानी लखीमपुर रेलवे स्टेशन, एक ही प्लेटफॉर्म पर दो रेक को पार्क किया गया है। एक ये ICF कोचेज़ वाला और मेरे पीछे LHB कोचेज़ वाला। ICF रेक को भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, एक छोटी सी झलक रहेगी। तो पहली बार लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर LHB रेक और साथ में ICF रेक को एक साथ पार्क किया गया है, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पर। हालांकि इसको चाहते तो जो ट्रैक नंबर 4 है वहां पर भी पार्क किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। खैर, पार्किंग रेलवे स्टेशन के नाम से ये मशहूर ही है, पहले भी हम आप लोगों को कई वीडियोज़ दिखा चुके हैं। तो चलिए सामने से फेस टू फेस दिखाते हैं आप लोगों को ICF रेक भी। फिलहाल ये AC कोचेज़ वाला रेक है जिसमें केवल 7 कोचेज़ हैं, बाकी जो ICF का जो रेक है उसमें 10 से 12 कोचेज़ लगे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 12533, 12534 लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस AC 3 टियर। यहाँ पर किस लिए पार्क किया गया है अभी इसकी जानकारी नहीं है, और वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि जो पुष्पक एक्सप्रेस है वो LHB रेक के द्वारा संचालित की जा रही है। तो लखीमपुर रेलवे स्टेशन से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आगे भी चलते हैं। चलिए दिखाते हैं जो दूसरा ICF कोचेस वाला रेक है, वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, एक जो रेक खड़ा हुआ है वो लखनऊ जम्मू तवी वाला है, जबकि लखनऊ से जम्मू तवी के लिए कभी आज तक कभी कोई ट्रेन ही नहीं चली। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये है ICF रेक लखनऊ जम्मू तवी, और ये यहाँ से एंड हो गया। तो गैप दिया गया है लोगों के निकलने के लिए, शायद एक और फुट ओवर ब्रिज बन जाता तो लोगों के लिए आसानी हो जाती, इस तरह से नहीं निकलना पड़ता। तो यहाँ से देखिएगा, तो फिलहाल स्टेशन पर सन्नाटा, किसी भी ट्रेन के आने का समय नहीं है अभी 7:45 से पहले। कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।